डियर मदर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स किट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से बहुत लोगों ने की हुई है कि डिलीवरी के बाद में महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई क्यों नहीं होती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई होती ही नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था और जो मेमल है यानी जो गर्भ धारण करती हैं उन्हें दूध होना ही होना होता है। तो आज के समय में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है कि अधिकांश महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई न होने की समस्या हो रही है? तो इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में यही जानकारी देने जा रही हूँ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इसमें कुछ पॉइंट जो आए हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं अपना अच्छी तरह से ध्यान न रखने के लिए, जिससे कि डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई नहीं होती है। जो कुछ जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ ये अगल बगल से पूछे गए या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो कुछ मैंने सलाह लिया, जिससे कि मैं नतीजे पर पहुँची कि हाँ ये वजह हो सकती है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई न होने के लिए, और कुछ मैंने इंटरनेट से निकाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में यानी कि आपका देर से सोना, सुबह देर से उठना, भोजन ताज़ा न करना या फिर फास्ट फूड लेना, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत सी महिलाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें नींद आती ही नहीं है, ऐसा भी मुझे बहुत क्वेश्चन आया था और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया भी था। कुछ ऐसी वजहें भी होती हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन मैं औरों से जो कुछ पूछी हूँ और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यही बताऊँगी कि जो महिलाएँ वर्क करती हैं, काम करती हैं, उन्हें नींद ज़रूर आती है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। मैं तो सुबह सोचती थी कि कब लोग घर से बाहर निकलें और मैं जल्दी से सो जाऊं, और खाने के लिए भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं खा नहीं पा रही हूं, मुझे इतनी तेज़ नींद आती थी, बहुत नींद आती थी। लेकिन जब मैं उठ जाती थी, नींद से निकल आती थी बाहर, तो फिर मैं काम भी बहुत करती थी। नौवें महीने तक मैंने घर का पूरा काम स्वयं किया था, मैंने मेड नहीं रखा था। नौवें महीने मैंने मेड रखा और तब तक मैं घर का पूरा काम स्वयं करती थी, और मतलब सब कुछ हाथ से ही करती थी, सब कुछ मैं ही करती थी। तो मैं थक भी जाती थी उस तरह से। तो अभी चाहे इसकी वजह से नींद आती रही हो चाहे जो भी बात रही हो, लेकिन ये जो मतलब एक मेडिकल गाइडलाइन है वो भी है और बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि समय से आप सो जाइए और समय पर सुबह सुबह आप उठ जाइए। जो भी भोजन आप करिए ताज़ा भोजन करिए, फास्ट फूड न लें, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। इसमें दूसरा आता है स्ट्रेस, यानी कि महिलाओं का टेंशन लेना, तनाव लेना। तनाव से बचें आप, क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सेहत को भी बिगाड़ती है और प्लस डिलीवरी के बाद में जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए, क्योंकि ये इंटरनेट से मैंने निकाला है तो इसमें ये एक पॉइंट आया है कि स्ट्रेस की वजह से डिलीवरी के बाद में महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है उस समय भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप तनाव लेती हैं, किसी भी तरह का तनाव हो, थोड़ा बहुत भी तनाव आप लेती हैं, तो आपकी सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी असर पड़ता है, डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान भी आपको तकलीफ़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाती है, और इसके अलावा डिलीवरी के बाद में आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए किसी भी तरह का तनाव आपको नहीं लेना है। तनाव में बहुत कुछ बातें आती हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में किसी तरह का मनमुटाव है, बहुत सी गलतफहमियाँ भी कभी कभी हो जाती हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, या फिर पति का देर से घर पर लौटना, या फिर कोई पारिवारिक ऐसी बातें हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों से जहाँ तक हो सके आप दूर रहिए और कोशिश करिए कि आप खुश रह सकें। जो कुछ भी आपको खुश रखने के लिए आपकी फैमिली के लोग कर सकते हैं उन्हें भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले बच्चे के लिए हम सबको तैयारी करनी चाहिए ताकि उस नए मेहमान का अच्छी तरह से हम स्वागत कर सकें, और जब वो इस दुनिया में आए तो तकलीफ़ से न आए, जब भी वो इस दुनिया में आए तो अच्छे से आए, और उसके लिए ब्रेस्ट मिल्क ख़ासतौर से जो बेबी के लिए या उसके अच्छे हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है वो ज़रूर उनकी मदर के पास हो और उन्हें उसका भरपूर आनंद मिल सके। तो इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, थोड़ा टहलें, फ्रेश हवा ज़रूर लें, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। इसके बाद में आता है
कुछ लोग जो बर्थ कंट्रोल जो पिल आता है, जो मतलब कि फैमिली प्लानिंग के लिए जो बर्थ कंट्रोल वो दवाइयाँ लेती हैं, ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं ये भी बहुत असर करती हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए, या फिर और किसी तरह की मेडिसिन आप ले रही हैं तो ये भी असर करती हैं आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए। अगर आप किसी तरह का कोई मेडिसिन ले रही हैं तो आप उसी समय जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिए कि क्या इसका कुछ गलत असर हो सकता है और मुझे ये दवा बंद कर देनी चाहिए। अगर किसी तरह का कोई भी दवा आप जो कुछ भी लेती हैं वो ना लीजिए। मैं यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी उसमें मेरे सिर में बहुत दर्द होता था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे दर्द क्यों, क्योंकि उसके पहले ऐसा नहीं होता था, मुझे सिर दर्द कभी भी नहीं होता था, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसी समय से मुझे सिर दर्द बहुत रहने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि हार्मोन के चेंज होने की वजह से ऐसा किसी किसी को हो जाता है, तो उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन नहीं सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे कहा कि बाम लगाया करो, जो टाइगर बाम आता है उन्होंने कहा वो लगाया करो। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत, यानी बिल्कुल मैं सहन नहीं कर पाती थी और इस तरह से इधर बांध के रख दी थी। तो ऐसी समस्या अगर आपको आती है तो दालचीनी जो होता है उसमें मुझे नहीं पता था, दालचीनी को बारीक पाउडर बना करके उसका पेस्ट बनाइए, उसमें गुलाब जल मिला करके और इस तरह से यहाँ पर लेप करेंगी तो इससे बहुत राहत होती है। तो ऐसी कोई भी समस्या होती है आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, अपनी तरफ से स्वयं आप किसी भी दवा का यूज ना करें जो कि बाद में डिलीवरी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद में आपको इस तरह की समस्या दे, यानी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई ना हो सके। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जैसे पुदीना हुआ, इस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो एक ही एग्जांपल दिया हुआ है कि पुदीना जो होता है ये ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, नहीं तो फिर बाद में आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आता है हार्मोन इंबैलेंस, यानी कि अगर आपके हार्मोन में उतार चढ़ाव है प्रेगनेंसी के दौरान तो डिलीवरी के बाद में आपको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई में प्रभाव पड़ सकता है। तो हार्मोन इंबैलेंस के लिए तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करिए कि आप जब भी टेस्ट करने जाती हैं तो डॉक्टर से पूछिए कि सब कुछ नॉर्मल है क्या। अगर किसी तरह का कुछ ऐसा डॉक्टर बताते हैं तो समय रहते उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा सोच करके कभी कभी हम लापरवाही कर लेते हैं, लेकिन बाद में डिलीवरी के बाद में इस तरह की समस्या खड़ी होती है। और हार्मोन बैलेंस करने के लिए जो इसमें दिया है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जब थायराइड ग्लैंड में किसी तरह की समस्या हो जाए तो फिर हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है। तो इसका कोशिश करिए कि आप जो कुछ भी खाती पीती हैं और जो कुछ भी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा, अगर जैसे कि कैल्शियम की दवाइयाँ वगैरह आयरन की डॉक्टर देते हैं उस समय, तो टाइम टू टाइम उसे ज़रूर लीजिए और कोशिश करें कि दवाइयों का सेवन कम करें। अगर जैसे कैल्शियम या आयरन के लिए जो टेबलेट डॉक्टर देते हैं वो तो लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप नेचुरल चीज़ें जो आयरन से संबंधित जैसे पालक वगैरह हुआ, दूध हुआ, पनीर हुआ, इन सब चीज़ों का सेवन करिए जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ताकि आपके शरीर में कम से कम दवाइयाँ जाएँ और इस तरह की समस्या आपको ना होने पाए। इसके अलावा ब्लड लॉस, यानी कि जब आपकी डिलीवरी होती है उस समय आपके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में खून जब चला जाता है तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो प्रभावित होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा तो आपके ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई भी प्रभावित होती है। तो इसके लिए वैसे तो डॉक्टर कोशिश करते ही हैं कि आपका ब्लड ज़्यादा न जाने पाए, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत अधिक मात्रा में ब्लड चला जाता है। सीजरन डिलीवरी के समय में भी ऐसा होता है कि बहुत अधिक मात्रा में ब्लड चला जाता है। तो मैं यही कहूँगी अपनी तरफ से कि जिस समय आपकी डिलीवरी है ऐसी चीज़ ज़रूर खाएं, जैसे बीट हुआ, चुकंदर जो होता है, ताकि आपके शरीर में ब्लड भरपूर रहे और डिलीवरी के बाद में इस तरह की समस्या न होने पाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा भी तो कम नहीं हो पाएगा। अगर पहले से ही कम रहेगा तो फिर समस्या होगी कि जो ब्लड जाएगा उससे आपका ब्लड काउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे तक लेवल चला जाएगा तो समस्या आएगी। इसलिए जब आपकी प्रेगनेंसी है उसी समय ऐसा कोशिश करिए कि आपके शरीर में ब्लड अच्छी तरह से हो, ताकि डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो भी जाता है तो भी उतना ज़्यादा फर्क न पड़ने पाए कि आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के ऊपर असर पड़े। इसके अलावा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो होता है ये अगर अंदर गर्भाशय में प्लेसेंटा का अंश रह गया है तो भी दूध न आने या कम आने की समस्या हो जाती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो आपका पीरियड है वो बहुत ज़्यादा जा सकता है, बहुत अधिक मात्रा में जा सकता है
और प्लेसेंटा में जो हार्मोन होता है वो जिम्मेदार होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो मिल्क की सप्लाई के ऊपर प्रभाव डालता है। तो प्लेसेंटा अगर अंदर आ जाता है तो ये समस्या आती है, और ऐसा होता है तो आपके पेट में दर्द भी होता है। तो अगर डिलीवरी के बाद में आपको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी नहीं हो रही, आपके पेट में दर्द भी हो रहा है, और ये मेरे ख्याल से तभी होता होगा जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि जिनकी सीजन डिलीवरी होती है उनका तो डॉक्टर उसमें स्वयं इस तरह से अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर देते हैं, पूरा निकाल देते हैं। लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई रहती है तो उनका नेचुरली तरीके से बाहर आता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ा बहुत अंदर रह गया हो और आपको पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड बहुत ज़्यादा जा रहा है और ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई नहीं हो रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर से बताएं, ताकि डॉक्टर आपको चेक करेंगे तो उनको पता चल जाता है, और कभी कभी सोनोग्राफी भी कर लेते हैं इमरजेंसी में डॉक्टर, तो पता चल जाता है तो तुरंत वो उसको क्लीन कर देते हैं। तो अगर ऐसी आपको समस्या दिखाई दे रही है, जैसा कि पेट में दर्द और ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होना और मिल्क की सप्लाई भी ना होना, तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लीजिए, ताकि समय रहते आपके इस समस्या का निदान हो सके। इसके अलावा प्री मेच्योर डिलीवरी, अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है, समय से पहले डिलीवरी हो गई है, तो समय से पहले डिलीवरी जब होती है तो उस समय जो प्रोसेस होता है डिलीवरी का वो नेचुरल तो होता नहीं है, और जो ये मिल्क की सप्लाई होती है, ब्रेस्ट से दूध आता है, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस ही होता है, तो कुछ भी नेचुरल नहीं हो पाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ महिलाओं को प्रीमेच्योर डिलीवरी के समय में भी मिल्क सप्लाई होने लगती है और अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन कुछ महिलाओं को नहीं होती है। तो इसमें आप घबराएं नहीं, उसमें डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करेंगे उनके अनुसार आप चलें, और कोशिश करिए, जैसे डॉक्टर कभी कभी इस तरह का कोई इंजेक्शन या फिर मेडिसिन भी देते हैं कि आपका मिल्क सप्लाई भी होने लगे, लेकिन नहीं होता है तो जो दूसरा ऑप्शन है कि आप फार्मूला मिल्क दीजिए, डोनर मिल्क दीजिए। उस समय बच्चा बीमार हो जाए उससे बेहतर होता है कि आप डोनर मिल्क ले लीजिए, ताकि बच्चे के लिए अच्छा रहे तो, और बच्चे की देख रेख अच्छे से हो सके। क्योंकि अगर आप काऊ मिल्क देती हैं, बफेलो मिल्क देती हैं, बच्चा बीमार होता है तो वो काऊ मिल्क बफेलो मिल्क लेने के लिए भी पैसे जाते हैं और बाद में बच्चे की दवाई करने के लिए भी पैसे जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पता लगाएं कि अगर डोनर मिल्क मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर फार्मूला मिल्क पर आप ध्यान दीजिए और उसे दीजिए। पर अगर आपका मिल्क थोड़ा बहुत आ रहा है तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी आ रहा है उतना बच्चे को पिलाते जाइए, क्योंकि शुरुआत के दिनों में कोलोस्ट्रम दूध रहता है जो कम मात्रा में ही आता है। तो घबराने की बजाय जो कुछ भी दूध आता है वो बच्चे को स्किन टच दीजिए, अपने सीने से लगाइए, ताकि मिल्क की सप्लाई होती रहे, और जब बच्चा सीने से लगेगा तो अपने आप मिल्क की सप्लाई बनने लगती है। तो इसलिए घबराने के बजाय बच्चे को अपने सीने से लगाइए, थोड़ा बहुत भी एक स्पून भी अगर दूध आता है तो वो एक एक स्पून करके आप बच्चे को पिलाती रहिए। इसके अलावा डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के ऊपर फ़र्क पड़े। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा एज में प्रेग्नेंट हुई हैं तभी आपकी डिलीवरी हुई है, तो हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो या फिर न हो। इसके अलावा आसपास का वातावरण, यानी आसपास के वातावरण से मतलब है कि आपके आसपास जो हवाएं हैं दूषित हैं, जो पानी आजकल मिल रहा है पीने के लिए वो भी उतना सेफ उतना प्योर नहीं होता है। जो फल फूल सब्जियां हम लेते हैं, अनाज ले रहे हैं, अनाज तो चलिए गेहूं चावल दाल जो होता है वो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन जो फल और सब्जियां हम लेते हैं वो हमें फ्रेश नहीं मिलती हैं, ताज़ी नहीं मिलती हैं, ताज़ी मिलती नहीं मिलती हैं, उसमें कभी कभी दवाइयों का भी यूज किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी असर करती हैं ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए, और कई तरह की बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं हमारे शरीर में, क्योंकि इन सब चीज़ों को ही दवाइयों से तैयार किया जा रहा है। आजकल दूध भी जो आता है शहरों में तो वो भी सेफ़ नहीं रहता है, बहुत से दूध में भी मिलावट की जाती है। तो इन तरह की जो चीज़ें होती हैं ये भी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। और आजकल जो इतनी सारी बीमारियां निकल करके आ रही हैं, छोटे बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो इन सब के लिए हमारे आसपास का वातावरण, आसपास के लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं। इस तरह से जैसा कि मैंने भी बताया कि सब्जियां फल वगैरह हमें अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं, फिर चाहे सिटी एरिया हो चाहे विलेज का एरिया हो, विलेज में भी यही हो रहा है, हर तरफ से मिलावट ही मिलावट होती है, वहाँ पर भी दूध कुछ इतना अच्छा नहीं मिलता है, कुछ न कुछ ज़रूर मिला देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी असर कर रही हैं ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए और ये जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं उनके लिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि आज के समय में महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम होने की कौन सी वजह है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क होता ही नहीं इसकी कौन सी वजह हो सकती है।
वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं, प्रेग्नेंट मदर होती हैं, उनकी हेल्प हो जाए और वो शुरू से ही अपना ध्यान रख सकें। ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा खाना और स्ट्रेस न लेना, समय पर सो जाना, समय पर उठ जाना, इन सब बातों का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।